बिहार के नवादा में 80 दलित परिवारों के घरों को जला दिया गया, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब तक इन परिवारों की कोई खैर खबर नहीं ली है। इसके विरोध में आज राजधानी भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर प्रदर्शन कर नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार के नेतृत्व में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। इस दौरान प्रदीप अहिरवार ने कहा कि मोदी जी कहते हैं मुझे दुख दे देना, मेरी पीठ पर कोड़े मार लेना, लेकिन मेरे दलित भाइयों पर अन्याय और अत्याचार मत करना। नवादा घटना को 5 दिन हो गए, लेकिन इस घटना पर उन्होंने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया। 80 परिवारों के घर जल गए, जिससे उनका सब कुछ जलकर खाक हो गया है, लेकिन इन परिवारों के प्रति मोदी जी की कोई संवेदना नहीं आई है। यह कैसी डबल इंजन की सरकार है? मोदी जी कहते हैं कि यह डबल इंजन की सरकार है, देश में अमृतकाल चल रहा है और सभी जगह खुशहाली है, और मोदी जी जब दलितों पर और आदिवासियों पर अत्याचार होते हैं तो कहते हैं कि मेरे पीठ पर पहले कोड़ा मार लेना, मुझे दुख दे देना, लेकिन मेरे दलित भाइयों पर अत्याचार मत करना। आज 5 दिन हो गए हैं, लेकिन उस घटना को लेकर मोदी जी ने कोई ट्वीट नहीं किया है। जब 80 परिवार बेघर हो गए, उनके घर परिवार, उनकी संपत्ति, उनकी सभी चीज़ें जलकर खाक हो गई, लेकिन मोदी की संवेदना प्रकट नहीं हुई है, और ये बड़ा प्रश्न है। मोदी डबल इंजन की सरकार है, नीतीश कुमार ने, हमने आज मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की है। नीतीश कुमार भी बड़ी बात करते हैं कि हम दलितों को, महादलितों को उनका हक दे रहे हैं, अधिकार दे रहे हैं, और उनके आगे बढ़ने की हम पूरी योजनाएं चला रहे हैं, लेकिन 80 मकान जल गए, कोई वहां पर लोगों के पास कपड़े नहीं हैं, लोगों के पास रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो आज उस घटना का हम लोगों ने नीतीश जी का पुतला जलाया और विरोध प्रदर्शन किया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।